ये देखो इतना बदतमीज बच्चा है, मम्मी को परेशान करता था। इधर आओ, आओ दिखाओ, देखो चेहरा दिखाओ, आओ दिखाओ, इधर देखो। देखो यही है मुरहा लड़का घर का। दूध पिलो। देखो इसमें सब लोग कह रहे हैं दूध नहीं पीता था। देखो सब लोग कह रहे हैं, देखो अभी पिलाए दूध। टेंट अकाउंट करेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पिए। कितना हुआ दिखा तो, पूरा करो पूरा, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, इधर देखो खाते में, इधर देखो इधर देखो। मैंने ब्लॉग इसलिए देर में स्टार्ट किया क्योंकि रोज जो ही बिस्तर से बेड टू बेड में कल दिखाया था, तो लेकिन अब मैं सोचा जिम के बाद से आएंगे तब डाइट करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे लोग, और मैं नाश्ता कर चुका हूँ, वो दिखाने आता है अभी। फ्रेश हो लेता हूँ और फिर आज देखते हैं आज क्या होता है। कल रात ब्लॉग में अभी जस्ट अपलोड किया, मैंने जस्ट अपलोड किया था, मतलब 24 घंटे हो गए जो प्रीवियस स्टोरी पे, तुम इंस्टाग्राम पे लिंक मिल जाएगा उसका, तो जाओ उसको देख लो। और यला ब्लॉग है देख रहे हो तो मैं आगे फ्रेश हो गया था, फिर आगे देखते हैं कैसा जाता है। तो फाइनली क्या फिलहाल कुछ भी, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, शुरुआत बाहर गया हुआ था, मोहित के खेत का धान लगना था और मैं बैठा निकला, कुछ कर ही नहीं था, बस एडिटिंग मेरा इतनी पड़ी थी, सारे व्लॉग्स की एडिटिंग खत्म कर दी आज। आज मेरे व्लॉग में खाली बस 4 क्लिप्स थी मेरे पास, वो भी एडिट कर दी मैंने रात में, क्योंकि भाई रात में करो भाई नींद नहीं पूरी हो पाती, 12-12, 1-2 बज जाते हैं, सोने से प्रॉब्लम है। मैं आया था अभी यहाँ पे केविन पे, जहाँ पे मैं रिसेंटली शूट जो हम लोग करते हैं इंस्टाग्राम के, वो शूट्स की लोकेशन देखे आज, थोड़ा सा आगे उधर साइड रिपेयर भी हुई लोकेशन, तो उन लोकेशंस को देख लिए, देखने के लिए जा रहा था। हम लोग यहाँ पिलर्स के पास आ गए और ये आगे लोकेशन को थोड़ा सा ऊपर, हम लोग सुबह ऊपर चल के बैठते हैं इस पर और तब फिर आगे देखते हैं। इधर चढ़े भाई, यहाँ पे शूट कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये देखो सब बन गया यहाँ पे इस टाइम, मतलब बन क्या गया, सॉरी यहाँ पे माल उतर रहा है, माल गोदाम है ये, और मुझे बताया जो बन रहा है वो ये रोड है, देखो ये रोड तो बहुत अच्छा है, मतलब अगल बगल लाइंस हैं और ट्रैफिक खड़े होंगे तो शूट्स के लिए हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो फिलहाल तरह आए गए हैं घूम घाम के, तो अभी हम लोग स्टेशन पर थे, एक स्ट्रीट फूड कॉर्नर है राजपुर ब्रदर्स नाम से, तो हम लोग आए थे यहाँ पे 2-3 मतलब कुछ खाने जा रहे थे, बैठ रहे थे, तो आओ एक बार ओवरव्यू कर रहे थे, और इसका भी स्पेशल ब्लॉग भी लाएंगे हम लोग। इसकी मेन्यू है लंबी चौड़ी, बहुत बड़ी मेन्यू भाई, बहुत बनता है बॉम बर्गर और सॉम बर्गर, बहुत तरह तरह के बर्गर बनाता है ना। और ये अभी हम लोग के 4 रोल बन रहे हैं, चीजी वाले रोल ये, और बर्गर बनते हैं 5-6-7 टाइप के, ये चाउमीन सॉरी ये राइस रोल्स और ये सारा मटेरियल इधर रखा बर्गर, मतलब बर्गर बहुत हैवी टाइप बनाते हैं भाई। कितने टाइप के बर्गर बनाते हो आप भाई? 8 प्रकार। और चाउमीन? चाउमीन 5। 8 और 5, इतना भाई स्ट्रीट फूड पे तो कहीं नहीं मिलेगा वाराणसी पे फिलहाल। और क्या क्या रखते हो फास्ट फूड? और अरे भाई रेस्टोरेंट हो रहा पूरा, तरह तरह के बनाते खा के देखेंगे भाई, एक बार स्पेसिफिक ब्लॉग भी लाएंगे भाई के डरेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बर्गर और रोल और क्या होता है, हाँ चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन पैक करने आए थे और हम लोग रोल दो खाएंगे भी। तो इस ठेले का भी ये है देखो, यहाँ पे लोकेशन ये इस साइड बैठे लगता है और ये पुलिस लाइन रोड है इधर, तो ये वाला ठेला है इसका मैं दिखा देता हूँ एक बार तुम लोगों को, ये वाला ठेला, तो इसका एक स्पेसिफिक ब्लॉग भी लाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग लेने आए थे, लेके फिर चलते हैं आज को, जिस पर शाम को बनना भी है। ये बना के दिया है, इसमें रोल है 2 हमारा शिवा, और इसमें एक चिली सॉस है, मेयोनीज है भाई, ये क्या है मेयोनीज के ऊपर क्या है? तंदूरी सॉस है, चीज ब्लेंड है, 4-5 तरह की चटनी है, कहीं बार हम की भाई नहीं मिलेगी इतना तो पता है हमको, 4-5 तरह की चटनी ऊपर से मसाला है, तो फिर हम लोग उसे खाते हैं। हाँ हाँ बराबर है, सेम सेम है, तो अभी फिलहाल हम लोग खाते हैं इसको।
तो देखो इतना अच्छा लगा भाई, हम लोग एक ऑर्डर किया भाई, देखो इतना बड़ा, इसमें 8 से 10 पीसेस हैं, 10 से 12 पीसेस हैं, और खाना भी कब तक गजब बेइज्जती है, 10 से 12 पीसेस हैं और ये ओनली 40 रुपीज का है, तो उससे अच्छा फास्ट फूड और क्या लोगे भाई बाराबंकी में तुम। ये है भाई शोवेद भाई, इनका ठेला है ये तो हम लोग ने एक और लिया, इसको भी खाएंगे। तो सिंगापुर में स्टार्ट हो गई है, तो ये सलाद शिमला मिर्च पड़ी और उसका से चाउमीन पड़ी, हैंडमेड चाउमीन मैंने बताया ये है, उसका दिए चाट मसाला पड़ा और सॉरी मैगी मसाला, फिर नमक पड़ा इसमें ऊपर से, और उसके बाद फिर इन्होंने डाला है क्या डाला है इसके बाद, फिर हाँ ये कढ़ा रहे हैं मैगी कब, मतलब सॉरी यार चाउमीन को मतलब ये कढ़ा रहे हैं सिंगापुर नूडल्स, उसके बाद इतना मटेरियल इन्होंने डाल दिया, ऊपर से एक सॉस डालेंगे धीरे धीरे एक बार बार मैंने बताया भी, और उसके बाद ये मैगी इसको कढ़ाया जा रहा है, और ये उन्होंने सॉस डाला हल्का सा जिससे हल्की सी काली काली हो जाएगी, उसके बाद ये एक और मसाला डाला उन्होंने, फिर एक और मसाला, कितने मसाले भाई मसाले के और मसाले डाले, एक और मसाला आया, फिर कुछ चटनी वगैरह डाली भैया ने, तो अब ये हो गई है रेडी, और इसमें फिर पनीर भी डाला, वाओ इसमें पनीर भी डाला ऊपर से इन्होंने, पनीर डाला उसके बाद मैगी कढ़ाई जाएगी और देन इसको हम निकाल लेंगे बाहर निकालने के बाद। तो ये इन्होंने पैक करने के लिए उन्होंने बोला था, तो ये बन गई स्टार्ट हो गई हम लोग की सिंगापुरी नूडल्स, और ये हो चुकी है पैक।